Good afternoon everyone, my name is Aniket Singh Chadak. I am a resident of village Goda Salathiya and I have scored 97.4% in class 12th and I am from MV International School. I want to, for the junior students, main bas unhe ek hi advice dena chahunga ki hard work ka koi substitute nahi hai. Hame hard work karna hi padega tabhi jaake hame success milegi. Aur hame make sure karna hai ki is beech hum apne aap ko na bhul jaye. Hame har cheez ke beech mein balance bana ke rakhna hai. किस तरीके से हमें एक फिजिकल एक्टिविटी में भी पार्ट्स लेना है ताकि जो मेंटल स्ट्रेस है हम उसके साथ डील कर सकें. हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि गोल और ड्रीम के बीच में एक अंतर होता है कि गोल अचीव किए जाते हैं और ड्रीम देखे जाते हैं. और ये ड्रीम जो है ये गोल तभी बनेगा जब हम इसके लिए मेहनत करेंगे. मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि फोकस रहिए और हर चीज़ में इक्वली पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप इस एग्ज़ाम स्ट्रेस से डील कर सकें. थैंक यू. की कितनी सपोर्ट रही इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए? टीचर्स की सपोर्ट बहुत रही है. फ्रॉम स्टार्टिंग टीचर्स हमें सपोर्ट कर रहे थे. जब हॉलीडेज भी होती थी तब भी हम कभी भी उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इवन आफ्टर एग्जाम्स भी वो हमें बोलते थे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कि आप हमसे हेल्प ले सकते हो जब भी आपको चाहिए. प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, चेयरमैन सर, हर स्टेज पर इन्होंने हमें मोटिवेट किया है. और ये आप कब से इस स्कूल में पढ़ रहे थे और जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं फर्स्ट क्लास से स्कूल में पढ़ा हूँ और स्टार्टिंग से मैं इधर ही हूँ. जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं मैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि हर ड्रीम्स डू कम ट्रू, बट इस चीज़ को करने के लिए मेहनत लगती है और जब तक आप मेहनत नहीं लगाओगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. हेलो, माय नेम इज़ आरा राजपूत. आई एम अ स्टूडेंट हेयर एट एमबी इंटरनेशनल. आई रिसेंटली गॉट माय रिजल्ट फॉर 12th क्लास एंड आई स्कोर 96.8% एंड आई हैव टेकन मेडिकल फील्ड. The only advice I would like to give to my juniors and anybody like who's you know seeing me is that be consistent. Just focus on yourself. There are going to be times when you would feel bad, when you would feel low, but you know the parents, your teachers, your faculty members, they would always be there to reach out to you. Just remember that consistency is the key. Hard work also matters, but it is important to enjoy your life and go with the flow. You know, just don't get into the monotonous routine that is you know followed by children. You need to enjoy your life as it is. And just don't worry if sometimes you might you know score low, but I'm just telling you this that believe in yourself. Trust the process and things they are going to get good. And I am from MV International School and I am the resident of Channi Himmat and I scored 96.4% and I want to say that ke aap apna hard work pura karo, baki result kitni tension mat lo. Agar aapne apne se pura hard work kiya na to aapko aapka result acha hi milega. और जैसे हम एग्ज़ाम टाइम्स में अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं और पीरियडिक रिविजन्स कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. और मोटिवेटेड रहना चाहिए. हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं. आप जम्मू शहर के बिल्कुल सटे इलाके में रहते हो, इतनी दूर पढ़ने आते थे, क्या फीडबैक और बच्चे जो देख रहे हैं उनको देना चाहिए? यहाँ पर जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं. यहाँ पर जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है और जो प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, चेयरमैन सर, वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है हर एक चीज़ के. स्कूल के बारे में बताइए, स्टडी के साथ साथ और एक्टिविटीज़ में कितना आपको सपोर्ट है और इंटरेस्ट कितना रहता था आपके यहाँ? मुझे पेंटिंग वगैरह जो मेरा सब्जेक्ट है वो उसमें भी मुझे सर ने, जो पेंटिंग वाले सर हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प की है सीखने में. गुड आफ्टरनून, माई नेम इज़ अक्षिता वर्मा एंड आई एम अ रेजिडेंट ऑफ विजयपुर. आई एम फ्रॉम 12th ह्यूमैनिटीज एंड आई हैव स्कोर 95.8% मार्क्स इन माई 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट टू से इज इफ यू डू वांट टू स्कोर अबव 95 और जस्ट सेट अ गोल, एंड इट्स अ अंडरस्टैंड दैट इट्स अ होल एस प्रोसेस. यू कैन नॉट जस्ट थिंक अ नाइट बिफोर दैट आई विल कम्प्लीट द होल सिलेबस. यू हैव, इट इज़ अ प्रोसेस एंड यू हैव टू लर्न अबाउट इट.
अदर देन दैट टेक असिस्टेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स इवन योर फ्रेंड्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे चेरिश यू अप जस्ट बिकॉज यू आर टू फोकस्ड ऑन स्टडीज डजंट मीन यू आर गोना नॉट हैव अ सोशल लाइफ सोशल लाइफ रखना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स रखो बाहर जाओ बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड कि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है उतना अगर आपका एक गोल है तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए तभी है क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है एज अनिकेत सेड सो यस अगर आपका गोल है तो हार्डवर्क करो उसके लिए डेडिकेटेड रहो कंसिस्टेंट रहो एंड अपने आप से वादा कर लो एक कि यू गोना स्कोर दिस मच एंड यस क्लास के एग्जाम आते ही थोड़े से डर जाते हैं yes, sir. तो उस डर को भगाने के लिए आप क्या करते थे सर डर वाली कोई बात नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो समझना है कि एक एग्जामिनेशन ही एट द एंड ऑफ द डे एंड आजकल तो खैर ट्वेल्थ के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हमें सीयूईटी देना पड़ता है बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक एग्जामिनेशन है एंड आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से यू हैव टू वर्क फॉर इट सो यू हैव टू स्टडी दैट इज व्हेन यू गोना गेट मार्क्स सो डरने से कोई फायदा नहीं है यू हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क सो यस सर मेरा नाम जसकरन है और मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट हूँ मैं सांबा का रेजिडेंट हूँ और मेरे 95.6% आए हैं सीबीएसई बोर्ड्स 2024 में कैसा लग रहा है सबसे ज़्यादा खुश कौन है आपके इस मार्क्स मेरे मार्क्स से सबसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स हैं एंड मेरे टीचर्स भी बहुत खुश हैं मेरी परसेंटेज से एंड उन्होंने ही कंसिस्टेंट एफर्ट किया था और मैंने भी मतलब हार्डवर्क किया था एंड हैंस द रिज़ल्ट और मैं अपने जूनियर्स को बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने अपनी जो हॉबीज़ हैं या फिर जिन भी चीज़ों से आपको इंटरेस्ट आता है उनमें और स्टडीज़ में हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहिए कोई एक चीज़ हमेशा हर टाइम नहीं हो सकती है आपको बीच बीच में ब्रेक लेके ही करना पड़ेगा स्टडीज़ को एंड मतलब माइंड फिर फेडअप हो जाता है एंड रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए होता है सर आपके बच्चों ने एक बार फिर इतना अच्छा रिज़ल्ट पेश किया है क्या कहना चाहिए मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से मैं चेयरमैन हूं स्कूल का हमारा स्कूल का रिज़ल्ट जो है 12 साल से 100% रिज़ल्ट आ रहा है जहां बच्चे बड़े एक्साइटिंग हुए हैं और जम्मू और सांबा के डिस्ट्रिक्ट में नंबर वन स्कूल हमारे स्कूल का रिज़ल्ट आया है मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे स्कूल एमबी इंटरनेशनल स्कूल बच्चों ने जहाँ पर शिक्षा ली है और साथ में बाकी जो बच्चे हैं जिन्हों का रिजल्ट आया है बाकी स्कूलों का मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और ख़ासतौर मैं पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ जे हमारे बच्चे भविष्य आगे जाएंगे आगे प्लस टू पास करके जो इन्होंने ट्रेनिंग करनी है जे बच्चे का भविष्य है जहाँ इनका जो रिज़ल्ट आया है सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारे स्कूल का आया मैं टीचर को और प्रिंसिपल को सबको मुबारकबाद देता हूँ थैंक यू जी क्लास ट्वेल्थ का रिज़ल्ट एमबी इंटरनेशनल स्कूल में बड़ी कंसिस्टेंटली हम उसको कांस्टेंट भी रख रहे हैं और राइज भी करा रहे हैं हाईएस्ट कोर्स को कंपैरेटिव टू प्रीवियस स्कूल द रिजल्ट ऑफ द स्कूल हैज ग्रोन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 95% एंड अबव हैव ग्रोन वी गॉट 5 स्टूडेंट्स दिस टाइम डिस्ट्रिक्ट सांबा के टॉप मोस्ट 5 पोजीशंस हमारे स्कूल से आई हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड इन 100% स्कोर आल्सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ पेरेंट्स स्टूडेंट्स टीचर्स ऑल टुगेदर lot of hard work goes into preparing a result tabhi saal ke end mein hum bade pride ke sath khade hokar results announce kar sakte hain thank you sir kya message dena chahenge jo log dekh rahe hain jo log dekh rahe hain unko main yahi message dena chahunga ki bachon ko exam ke liye taiyari karne ke liye kafi acha atmosphere dein unko thodi si freedom of expression aur time bhi dein aur bachon ke sath stress management time management do cheezon ke liye zarur unke sath bhagidari bane taki bacche jo hai wo confidence ke sath padhai kar sake aur exams de sake aaj mv international school ne apna fir se parcham lehraya 12वीं और 10वीं का जो रिज़ल्ट आया 100% रिज़ल्ट आया ये आज बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है इस स्कूल के लिए एमपी इंटरनेशनल स्कूल के लिए इस स्कूल में बच्चों ने टीचर्स ने उनके पेरेंट्स ने मिलके जो एक कलेक्टिव एफर्ट लगाया उसका आज रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है ज़िला सांबा में पिछले 10 साल से 100% रिज़ल्ट रहा और 10 सालों से 95% से ऊपर 95% से ऊपर रिज़ल्ट जो मैक्सिमम रिज़ल्ट है वो इसी स्कूल का है कुछ बच्चों ने 100 में से 100 नंबर भी लिए अराउंड 20 स्टूडेंट्स ने 100 out of 100 नंबर्स लिए इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो मैं बहुत ही खुश हूँ जो इतने सालों का जो मेहनत का जो फल है वो हमें आज मिला है और धन्यवाद आप सब लोगों सर हम देख रहे हैं जी सर हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से आपके बच्चे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी मेडल ला रहे हैं जी तो
स्पोर्ट्स में लेकर किस तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है बच्चों को शिक्षा के साथ साथ? जी, आज का जो दौर है वो एकेडमिक तो है ही है कि अच्छे नंबर आने चाहिए ताकि अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन मिल पाए। स्पोर्ट्स भी उतना ही इक्विवेलेंट रोल प्ले करता है। बच्चा जब तक मेंटली फिजिकली फिट नहीं होगा वो किसी भी करियर में एक सक्सीड नहीं कर सकता। तो अगर बच्चा हेल्दी होगा, फिट होगा, मेंटली साउंड होगा, तभी वो अपने करियर में फिट कर पाएगा। जैसे स्कूल की बात रही स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट कोचेज रखे हैं डिफरेंट गेम्स के, और आज ज़िले में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है वो एमवी इंटरनेशनल स्कूल से होती है, चाहे वो फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है। अराउंड 19 गेम्स एंड स्पोर्ट्स इस स्कूल में सिखाए जाते हैं। तो हमने ऐसा कोई भी एरिया, क्योंकि कोई बच्चे एकेडमिकली स्ट्रांग हैं, कोई स्पोर्ट्स में स्ट्रांग है, कोई पेंटिंग में स्ट्रांग है, कोई योगा में है, तो आज हमारे बच्चे हर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आज का दौर जो है वो इस दौर में हर चीज़ की नॉलेज आपको होना ज़रूरी, तो यही हमारा जो है मकसद है स्कूल में। जी, अगर मैं माता रानी से यही कहूँगा कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बच्चे मेहनत करते रहें, फैकल्टी उनको गाइड करते रहे। प्रिंसिपल सर का मैं थैंक्स करूंगा और पूरी फैकल्टी का, जिन्होंने एक बड़ा कलेक्टिव एफर्ट पूरे साल, ये एक दिन में दो दिन में रिजल्ट नहीं बनता, ये दो साल की मेहनत है। 11, 12 बैक टू बैक चेक करना बच्चा कैसा जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दो साल की मेहनत है। तो ये मैंने इन सब ने मिल के की और आज रिजल्ट आएगा। और ये मैं वादा करता हूँ कि ये टीम जो है ये ऐसे ही लगातार निरंतर इन बच्चों को सपोर्ट करेगी, और आने वाले टाइम में अभी हम जिला सांबा में नंबर वन है, हमारी कोशिश है कि मे बी अगले साल हम J&K में टॉप करना चाहेंगे।